एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आया है कि स्लिप डिस्क को हील होने में कितना समय लगता है, कितने दिन तक हमें इलाज करना चाहिए डॉक्टर साहब, कितने दिन तक हम ट्रीटमेंट लें, कितने दिन तक हम इलाज करके देख सकते हैं कि पेशेंट ठीक हो सकता है, क्या अगर आपको पेन आए हुए 10 दिन हुए हैं तो ही आपको सर्जरी करा लेनी चाहिए, या आपको पेन आए हुए 3 साल हो गए हैं फिर भी आपको वेट करना चाहिए। तो एक कैसे डिसाइड होगा कि जो स्लिप डिस्क है वो अपने आप ठीक हो भी रही है या नहीं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और इस पे बहुत सारे भ्रांतियां और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं इन भ्रांतियों को आपके साथ डिस्कस करके इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर देवशीष शर्मा है और मैं एक रीढ़ की हड्डी का डॉक्टर हूँ। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आया है कि स्लिप डिस्क को हील होने में कितना समय लगता है, कितने दिन तक हमें इलाज करना चाहिए डॉक्टर साहब, कितने दिन तक हम ट्रीटमेंट लें, कितने दिन तक हम इलाज करके देख सकते हैं कि पेशेंट ठीक हो सकता है, क्या अगर आपको पेन आए हुए 10 दिन हुए हैं तो ही आपको सर्जरी करा लेनी चाहिए, या आपको पेन आए हुए 3 साल हो गए हैं फिर भी आपको वेट करना चाहिए। तो एक कैसे डिसाइड होगा कि जो स्लिप डिस्क है वो अपने आप ठीक हो भी रही है या नहीं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और इस पे बहुत सारे भ्रांतियां और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं इन भ्रांतियों को आपके साथ डिस्कस करके इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जो स्लिप डिस्क है बेसिकली क्या है, स्लिप डिस्क या प्रोट्रूडेड डिस्क या प्रोट्रूज्ड डिस्क या एक्सट्रूडेड डिस्क या फिर डिस्क बल्ज, ये सब एक ही चीजें हैं जिसमें एक डिस्क मटेरियल बाहर आ जाता है और नर्व की तरफ जाके उसको कंप्रेस करता है। काफी पेशेंट्स में जब स्लिप डिस्क कम होती है तो सिर्फ बैक पेन होता है और जब ज्यादा होती है तो पेशेंट को लेग पेन भी शुरू हो जाता है। अब यदि आपको लेग पेन आ रहा है और लेग पेन को आपको आते हुए लंबे समय हो गया है, जैसे कि आपको लेग पेन शुरू हुआ, अब लेग पेन को लंबा समय हो गया है, तो कितना समय एडिक्वेट है डिसीजन लेने के लिए कि हमारा जो ट्रीटमेंट है वो नहीं काम कर रहा, हमें दूसरा ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो देखिए, यदि आपके पेन को 2, 4, 6, 8, 10 दिन हुए हैं तो सबसे अच्छा इलाज है रेस्ट करना। यदि पेन बहुत ज़्यादा है तो आप दवाइयों का सहारा ले सकते हैं, डॉक्टर से मिलके अपने फिजिकल थेरेपिस्ट से बात करके फिजियोथेरेपी का भी सहारा ले सकते हैं। यदि आपके पेन को 2-3 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं तो आपको प्रॉपर न्यूरोलॉजिकल इवैल्यूएशन कराना चाहिए और एक डेडिकेटेड स्पाइन स्पेशलिस्ट, न्यूरोसर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलना चाहिए और देखना चाहिए कहीं कोई वीकनेस तो नहीं आ रही है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और आपको लॉन्ग टर्म दवाइयाँ या लॉन्ग टर्म फिजियोथेरेपी और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में पेशेंट को एक्सप्लेन किया जाता है। ये बताया जाता है कि आप दवाइयाँ लीजिए, आप ट्राई करिए कि जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है उसमें हम इलाज से ही आपको फायदा देने की कोशिश करें, ना कि कोई सर्जरी आपकी हो। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि सर दवाई कितने दिन लेंगे, कितने दिन तक झेलेंगे, क्या इससे किडनी खराब तो नहीं हो जाएगी, क्या ऐसा तो नहीं कि सर मेरे लीवर पे फर्क पड़ने लगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो देखिए, जो दवाइयां हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, एक वो दवाइयां जो किडनी और लीवर पे फर्क डालती हैं और एक वो दवाइयां जो किडनी और लीवर पे बहुत माइल्ड या ना के बराबर फर्क डालती हैं, जैसे प्रीगाबालिन हो गई या फिर न्यूरोबियन हो गई। तो इस तरह की कई दवाइयां हैं जो नर्व सप्लीमेंट्स का काम करती हैं। तो जो मेन कोर पेन किलर्स हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं दिए जाते, 1 हफ्ता 2 हफ्ता या हद हो गई तो 3 हफ्ता हम दे सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर हम दे रहे हैं तो हम पेशेंट की किडनी और लीवर को जियोपेडाइज कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म दवाई नहीं लेनी चाहिए। SOS के रूप में लॉन्ग टर्म ले सकते हैं, जैसे आपने 2-3 दिन में एक बार एक गोली खा ली तो ऐसा आप 2-3 महीने तक कर सकते हैं, बट वो भी किसी डॉक्टर की देख रेख में। तो लंबे समय दवाई नहीं लेना है, एक बात। दूसरी बात, दवाई कितने दिन तक ले सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट बात है। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो जो दवाइयों का इलाज है उसको आराम से 3 महीने तक कंटिन्यू किया जा सकता है, प्रोवाइडेड आप जो दवाइयां ले रहे हैं वो आपको किडनी टॉक्सिक या लीवर टॉक्सिक ना हो। पर अगर आपकी दिक्कत महीनों में भी नहीं जा रही है, अगर आप बिना दवाई के रह ही नहीं पा रहे हैं, अगर आपको दवाई लेते लेते 2-3 महीने हो गए हैं तो फिर और प्रॉब्लम बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई है, आप सेम सिचुएशन में हैं, तो हो सकता है आपको सर्जरी की तरफ जाना पड़े। डिपेंड करेगा कि आपके MRI में क्या है, आपकी परेशानी कितनी है और आपके डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम के बारे में क्या सोचते हैं। अगर मुझे मेरे पेशेंट्स को देख के लगता है कि कंप्रेशन बहुत ज़्यादा है और मैं पेशेंट को दवाइयों से आराम नहीं दे पा रहा हूँ तो मैं कभी कभी पेशेंट को सेकेंड ऑप्शन बताता हूँ, जैसे कि स्पाइनल इंजेक्शन। कभी कभी मैं सेकेंड ऑप्शन बस डायरेक्टली सर्जरी ही बताता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो कंप्रेशन है वो इतना ज़्यादा है
कि उसमें इंजेक्शन का कोई फायदा ही नहीं। दूसरा केस ये होता है कि कंप्रेशन थोड़ा कम भी है लेकिन पेशेंट को प्रॉब्लम को कई महीने हो गए हैं। यदि आपकी प्रॉब्लम को 3 महीने या 6 महीने हो गए हैं तो बहुत हाई चांसेस हैं कि वो दवाई से, फिजियोथेरेपी से, एक्सरसाइज से ठीक नहीं होगी और इंजेक्शन भी कोई खास लंबे टर्म का रिलीफ नहीं देगा। इंजेक्शन शॉर्ट टर्म का रिलीफ जरूर देगा बट लॉन्ग टर्म का रिलीफ आपको नहीं देगा अगर प्रॉब्लम को कई महीने हो चुके हैं तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि अगर आप चाहें तो सर्जरी का भी एक ऑप्शन आप ले सकते हैं जिससे कि परमानेंट रिलीफ आपको आ जाएगा। और अगर आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, आप जो लाइफस्टाइल है उसको कंटिन्यू करिए लेकिन आप ज़्यादा दवाइयाँ मत खाइए। पर अगर आपको ब्लैडर बबल इन्वॉल्व हो रहा है, यूरिन में कोई दिक्कत आ रही है, पेट साफ नहीं हो रहा, यूरिन रुक रुक के आता है, आपको यदि अगर आपको हाथों पैरों में कमजोरी हो रही है, आप खड़े नहीं रह पा रहे, आपके पैर सुन्न पड़ रहे हैं और इस बात को लंबा समय होता जा रहा है तो आपको ये एक अर्जेंट सिचुएशन है। स्पेशली ब्लैडर बबल एक अर्जेंट सिचुएशन है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको डॉक्टर से मिलकर अपनी सर्जरी को अर्जेंटली प्लान करना चाहिए। और अगर ये सब दिक्कतें नहीं है, वीकनेस नहीं है, ब्लैडर बबल इन्वॉल्वमेंट नहीं है और आपको पेन है लेकिन आप टॉलरेट कर सकते हैं बिना दवाई के, तो आप कुछ दिन और वेट कर सकते हैं। एसेंशियली कई रिसर्च में ये पाया गया है कि पेशेंट को फुल रिकवरी आते आते 6 महीने तक लग सकते हैं। तो 6 weeks to 6 months तक का टाइम होता है जिसमें आप ठीक हो सकते हैं। कई पेशेंट्स 2-3 हफ्ते में ही ठीक हो जाते हैं, कई पेशेंट्स को 6 weeks, 8 weeks, 12 weeks और अप टू 3 to 6 months लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी की हीलिंग पावर कितनी है, कितनी जल्दी आपकी शरीर हीलिंग मोड में चला गया। बट यदि ये प्रॉब्लम को 3 महीने बाद फायदा नहीं मिल रहा है, आप सेम कंडीशन में है, तो मैं ये सोचता हूं कि आपको इस बारे में बात करनी चाहिए डॉक्टर से। और अगर सर्जरी एक वायबल ऑप्शन है, और जैसे एंडोस्कोपी होती है, माइक्रोस्कोपी होती है, कभी कभी ओपन सर्जरी भी होती है जिसमें कि पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट दिया जा सकता है। मैं अपने पेशेंट्स को ज़्यादातर एंडोस्कोपी और माइक्रोस्कोपी से अच्छा रिजल्ट देता हूँ, बट हो सकता है आपके डॉक्टर ओपन सर्जरी से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएं। तो डिपेंड करता है कौन सी सर्जरी आपके डॉक्टर कंफर्टेबल हैं वो आपके लिए करेंगे और आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कितने टाइम में आप हील हों, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि कितने दिन आप इस प्रॉब्लम को झेल रहे हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इसमें 100% हील हों और कोई भी गलती ना हो जिससे कि कोई भी डिसेबिलिटी जो आपको हो रही है वो परमानेंट ना रह जाए। इसलिए डॉक्टर से मिलें, उसकी देखरेख में ही इलाज करें। ज़रूरी नहीं है कि आप सर्जरी ही कराएं, दवाई ही लें या फिजियोथेरेपी ही लें या कायरोप्रैक्टिस ही लें या एक्यूपंचर ही लें, कोई भी इलाज हो बट वो आपको लगना चाहिए और आपको ठीक होना चाहिए। मेरे हिसाब से 21st century में किसी को भी दर्द में नहीं रहना चाहिए, इलाज सबके लिए है। इट डजंट मैटर आप इलाज छोटे अस्पताल में कराएं, बीच के अस्पताल में कराएं, बड़े हॉस्पिटल में कराएं, फ्री में कराएं, इंश्योरेंस में कराएं, आयुष्मान में कराएं, लेकिन इलाज सबको मिलना चाहिए। हर तरह के डॉक्टर इंडिया में अवेलेबल हैं। आप एक ही सर्जरी को 5-star हॉस्पिटल में करा सकते हैं, एक अच्छे मिडिल क्लास सेंटर पर करा सकते हैं, एक छोटे बजट सेंटर में करा सकते हैं, ECHS में करा सकते हैं, CGHS में करा सकते हैं, आयुष्मान में करा सकते हैं और आप उस तरह के हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा सकते हैं। तो डरिए मत, हिम्मत बनाइए, परेशानी है तो आप ज़रूर ठीक होंगे, ये मेरा विश्वास है आपके लिए। आपको अगर इस तरह की कोई दिक्कत हो रही है तो अपने डॉक्टर से नियर बाय मिलिए, और अगर आपके पास कोई खास ऑप्शन नहीं है या आप थोड़ा हताश फील कर रहे हैं तो रिपोर्ट्स को मेरे ऑफिस में भी भेज सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ इस वीडियो से कुछ जानकारी आपको मिली होगी और अगर मिली है तो मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं।